यस सर। इसमें क्या है फिल्म के बारे में बताएंगे? एक कहानी है एक लड़का और लड़की के बारे में जो थोड़े प्रॉब्लम्स में पड़ जाते हैं, और मेरा जो कैरेक्टर है एक लॉयर का कैरेक्टर है जो मेन प्रोटैगनिस्ट जो कर रही है उसकी फ्रेंड है, और बेसिकली मैं उन लोगों को केस लड़कियों को बचाती हूँ, और एक ऐसा मुद्दा के बारे में है जो काफ़ी मतलब हेल्प करेगा अगर कॉन्स्टिट्यूशनली चेंज हो जाए तो। आज ये सीन क्या चल रहा है, शादी देख रही है, शादी किसकी हो रही है, क्या हो रहा है? ये जो शादी हो रही है ये सुदीक्षा जो है जो मेन कैरेक्टर है उसकी बहन की शादी हो रही है, और उस शादी में उसका हस्बैंड जो है उसको पुलिस उठा के ले जाती है, उसको मर्डर तब उस पर जुर्म लगाते हैं, और फिर बाद में क्या होता है वो आप फिल्म में देखिए। तो सेट क्या है फिल्म का, किस तरह की रोमांटिक फिल्म होगी, कॉमेडी फिल्म होगी, किस तरह की फिल्म होगी? रोमांटिक फिल्म होगी लेकिन एक मुद्दे के बारे में बात कर रही है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लाइक इट्स गॉट टू डू आई कांट रियली स्पीक अबाउट इट, मुद्दे के बारे में बात कर सकते हैं क्या? वुमेन से रिलेटेड है, बेसिकली पति पत्नी के बीच में जब एक वुमेन को कैद हो जाती है, सॉरी जब वुमेन के पति को कैद हो जाती है तो मिलना क्या मतलब इज इट पॉसिबल होता है क्या नहीं होता है पति पत्नी का, तो उसके ऊपर है। पापा इतने बड़े एक्टर थे, कुछ टिप्स मिलती वहाँ से कि एक्टिंग के बारे में? यस कॉन्स्टेंटली हमेशा। क्या कहते हो कि ये करना बेटा या ये मत करना या ये ऐसा कुछ है या कुछ फिल्म स्क्रिप्ट आप सुनाते हो घर पे? फिल्म स्क्रिप्ट नहीं सुनाती हूँ मैं, खुद डिसाइड करती हूँ फिर उनको बताती हूँ कि ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, और कभी कभी अगर मैं अटक जाती हूँ एक्टिंग के सिलसिले में तो उनसे मैं पूछती हूँ, और वो हमेशा गाइडेंस देते हैं और हमेशा हेल्पफुल होते हैं। स्क्रिप्ट वालों को बोलते हैं कि हाँ तुम कर रहे हो ये सही है या नहीं? है उसमें वो नहीं, वो मैं अपने आप चूज करती हूँ। बदर विवान ही जस्ट गोइंग टू मेक हिज डायरेक्टर नो डेब्यू, दिस ही इज कमिंग विद हैप्पी न्यू ईयर, यस यस वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवी, यस क्या कहना चाहिए? आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम, ही इज अ वेरी स्वीट बॉय, वेरी हार्ड वर्किंग, एंड आई विश हिम ऑल द लक, आई होप दिस मूवी डज वेल। हिबा नॉर्मली जो है एक्ट्रेस एंड बेसिकली फीमेल्स दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर इमेज, मीन्स वो नेगेटिव रोल्स वगैरह करने में बहुत हिचकिचाती हैं, तो आपने कुछ ऐसा बना रखा है कि नेगेटिव रोल्स से दूर रहना या कुछ, या यू विल बी रेडी टू डू एनी काइंड ऑफ रोल्स लाइक दैट? नॉट एनी काइंड ऑफ रोल्स, रोल हैज़ टू बी इंटरेस्टिंग, इट हैज़ टू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू डू विद द स्टोरी, या आई एम नॉट अपोज टू एनी रोल जस्ट सच। So role of a lawyer and she's a friend of the protagonist. Basically second half mein mera kaam zyada hai. So she helps the protagonist and the husband get out of the problem that they're having. Case kind of a ek tarah ka ye kirdar aisa hai jaise ki film Dami dekhi thi usme Sunny Sunny Paaji jo baad mein aate hai waisa aapka koi kirdar hai aisa keh sakte hain log? Sunny Paaji ke sath main compare nahi karna chahti apne aap ko, of course he is a great actor, but it's a role of a lawyer, a woman lawyer. And she's dealing with a woman issue. तो वैसे ही मैं दमदार किरदार, मैं कह रहा हूँ किरदार, मैं compare नहीं कर रहा हूँ, मतलब किरदार। I hope so. Thank you. तेरे इश्क में क्या कर रहे हो, उसके इश्क में सब? तेरे इश्क में हमारी कहानी, मतलब तेरे इश्क में हीरोइन हीरो के लिए इतना कुछ कर जाती है शायद रियल लाइफ में मेरे ख्याल नामुमकिन है। अब अगर रियल लाइफ में वैसा होने लगे तो शायद मेरे जैसा खुश नसीब मैं और किसी को नहीं मानता अगर आपके लिए कोई ऐसा कर जाए। ऐसे क्या क्या कर जा रहे हो? मैं तो खैर क्या कर रहा हूँ, लेकिन लड़की मेरे लिए बहुत कुछ कर रही है। मतलब इसमें एक लड़का लड़की की स्टोरी है जो आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, फिर वो बिछड़ जाते हैं। वो मतलब कुछ रीजंस हैं उसके बिछड़ने के जो शायद पहले बताऊंगा तो स्टोरी बहुत मेरे लिए नुकसान होगा। उसमें लड़की हमारा कुछ ऐसा है कि लड़की कुछ अलग से कानून की डिमांड कर रही है कि अगर किसी की ऐसे शादी होती है और शादी वाले दिन अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो उसमें लड़की का क्या कसूर है? तो टीवी आपने बहुत छोटे बड़े बहुत क्या पहली बार बड़े पर्दे पर क्या डिफरेंट पर देख रहे हो कि
नहीं, काम दोनों में यही है कि आपको अपना काम करना है। अब वो छोटा पर्दा हो बड़ा पर्दा हो, मुझे मेरा काम करना आना चाहिए बस, वो चाहे फिर छोटे पर्दे के लिए करूँ या बड़े पर्दे के लिए। बड़े पर्दे में फ़र्क है कि सब कुछ बहुत बड़ा ग्रैंडियर, मतलब आपको फील होता है कि हाँ यार कि कुछ वाकई हो रहा है। अब कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो मतलब लगता है कि कुछ आ रहा है, तो पीछे जो है उसको यार छोड़ना पड़ेगा, अगर आगे बढ़ना है तो आपको कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ेगा, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ। क्या अच्छा लगा आपको, स्क्रिप्ट अच्छी लगी? स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी है, ऊपर से जो मेरा कैरेक्टर है वो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा है, बहुत प्यारे लड़के का है। अब बाकी देखते हैं आपको कितना प्यारा लगता है वो लड़का। ये शादी किसकी हो रही है, क्या हो रही है? ये शादी मेरी हो रही है, इसमें हमारा कुछ शादी का सीक्वेंस है जिसमें एक गाना है, बहुत अच्छा गाना है, वो उदित जी ने गाना गाया है, उस गाने पे ऊपर थोड़ा डांस नंबर है, मैं कुछ डांस भी कर रहा हूँ। अब उस शादी के बाद में कुछ एक अजीब घटना होने वाली है जिसकी वजह से पूरी स्टोरी चली आ रही है कि यार ऐसा अगर हो जाए तो। मूवी का जॉनर है मतलब बहुत ज़्यादा रोमांटिक, किसी के इश्क में। अब नाम से लग रहा है कि यार तेरे इश्क में। नहीं, अब मैं अपनी तारीफ अगर खुद करूंगा तो बाकी लोग क्या करेंगे यार, हीरो तो हूँ। आपके साथ क्या क्या कर सकते, क्या क्या मतलब पॉसिबल है करना प्यार के लिए, तेरे इश्क में क्या पॉसिबल है करना ऑडियंस के लिए, कि क्या ना करे और क्या करे ऑडियंस के लिए? अगर ऑडियंस के लिए अगर आपके सामने वाला आपके लिए इतना कुछ कर रहा है तो फिर आप उसके लिए कुछ भी कर गुजरने की क्षमता रखनी चाहिए आपको। तो अब फ्यूचर क्या प्लान है आपकी, टीवी या फिर? फ्यूचर मेरा प्लान नहीं है, फ्यूचर तो वो करता और बाकी आप लोग हैं, आप लोग जितना प्यार देंगे मेरा फ्यूचर उतना अच्छा और प्यारा हो जाएगा। थैंक यू। ये फिल्म के बारे में बताएंगे, क्या है फिल्म, किस तरह की फिल्म है ये, क्या कहानी है? एक अच्छी खूबसूरत लव स्टोरी है, एक अच्छी खूबसूरत लव स्टोरी है और थोड़ा सा सस्पेंस है फिल्म के अंदर, और आज के दौर का जो सिनेमा है उसको ध्यान में रख करके बनाया जा रहा है फिल्म को। कलाकार जितने भी फिल्म के अंदर हैं, शोभित हो, निखिल हो, हिबा हो, चाहे वो सोनम हो, सभी कलाकारों ने अपनी तरफ से बहुत खूबसूरत काम किया है और ये उनके जीवन का बहुत अच्छा मौका है जहाँ से ये लोग बहुत आगे जा सकते हैं। बहुत अच्छी खूबसूरत फिल्म बन रही है, कहानी अच्छी है, गाने बहुत खूबसूरत हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इतनी खूबसूरत स्टोरी पे काम करने का मौका मिल रहा है। तो कैसे आपने इस तरह का जो भी कैसे चुना कि फिल्म की स्क्रिप्ट डिमांड थी, ये कैसे आपने क्या? देखिए, अगर आप एक मोटे तौर पे एनालिसिस करते हैं, अगर गणना के तौर पे आप जाते हैं तो जितना भी सिनेमा, हिट सिनेमा जितना भी है उसके अंदर कहानी उस हीरो होती है और गाने उसकी हीरोइन होते हैं, तो हमने बेसिकली इन दो ही चीज़ों पर सबसे ज़्यादा काम किया है। चेहरे तो क्या है, आप नया भी लोगे तो हिट करा सकते हो, पुराना भी लोगे तो हिट करा सकते हो, लेकिन आपकी कहानी अच्छी हो यानी हीरो अच्छा हो और गाने अच्छे हो यानी हीरोइन अच्छी हो तो आपका सब कुछ अच्छा होगा। तो कहाँ मशक्कत करनी पड़ी आपको, हीरोइन के लिए हीरो के लिए? नहीं, ये गुड लक रहा हमारा कि कलाकारों को लेकर हमें कोई समस्या नहीं आई, बहुत कोऑपरेटिव, बहुत अच्छे लोग मिले हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी काम जानने वाले लोग हैं, तो जो हमारा टारगेट था कि हमें विद इन 65 डेज चीज़ों को समेट के अपने काम को ख़त्म करना था, तो आज तक हम टारगेट पे चल रहे हैं। यानी ये पूरी टीम का एक बहुत बड़ा योगदान है, पूरी टीम बहुत सराहनीय योगदान के साथ काम कर रही है, तो मैं इन सब के लिए थैंकफुल हूँ यहाँ पर कि ये बहुत अच्छे तरीके से काम को अंजाम दे रहे हैं। आज का जो सीन है शादी का सीन, इसमें गाना भी है, क्या कितने गाने हैं ओवरऑल फिल्म के अंदर? 6 गाने इस फिल्म के अंदर हैं जी जी, और सारे गाने रोमांटिक है, रोमांटिक सॉन्ग्स हैं और आज के युवाओं को ध्यान में रखे हुए, आज की जनरेशन को ध्यान में रखे हुए इसके ऊपर वर्कआउट किया गया। देखिए, ऑल ओवर मुंबई है, उसके अलावा हम लोग पालघर गए हैं जहाँ बहुत अच्छा खूबसूरत सी बीच के किनारे शूट किया गया, अच्छा मर्डर सीक्वेंस भी वहाँ शूट किया गया, तो इस तरीके से एक सिनेमा को ध्यान में रख के जो जो जरूरी चीजें हैं वो सब हमने की। कब तक क्या प्लान किया है, कब तक कमिट कर देंगे, कब तक हो जाएगा, कितनी फिल्म हो चुकी है? देखिए, 90% हमारा शूट कंप्लीट हो गया है, जो भी 10-12 दिन का हमारा शूट है उसके बाद में हमारी फिल्म पोस्ट में चली जाएगी। देन अगर पोस्ट के लिए जो समय लगता है 2 महीना 3 महीना 4 महीना, उसके बाद हम रिलीज की तैयारी करेंगे। कुछ सोचा है कि इस डेट को? नहीं, फाइनली हमने कभी डेट्स के लिए कोई ऐसा चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा है, अभी जब तक काम कंप्लीट होकर बाहर नहीं आएगा हम डेट फिक्स नहीं करेंगे। थैंक यू। बताएंगे फिल्म के बारे में, तेरे इश्क में क्या कहानी है?
वो उसकी सिस्टर अक्षता अक्षता और मेरी गाड़ी जा आपके पास है अबे ये नहीं है मेरी कौन से।